पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 74% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक 91.35 किलोमीटर लंबा ये लिंक एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खुल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से गोरखपुर से लखनऊ और दिल्ली से आगरा जाने में लगने वाला समय बचेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बिजनेस कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यूपी सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही वेयर हाउस भी बनाए जाएंगे, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में भी बूम आएगा। वर्तमान में लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए दो रास्ते उपलब्ध हैं। नेशनल हाईवे 27 के माध्यम से दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 269 किलोमीटर है और इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाने पर गोरखपुर से लखनऊ 321 किलोमीटर है और इसमें करीब 5.5 घंटे लगते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी भी घट जाएगी और यात्रा में 5.5 घंटे की बजाय 3.5 घंटे ही लगेंगे। यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार जून 2023 तक लिंक एक्सप्रेसवे का 74% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का काम 100%, मिट्टी का 93%, जीएसबी का 71% और डीबीएम का 66% काम पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे पर कुल प्रस्तावित 342 स्ट्रक्चर्स में से 226 बनकर तैयार हो चुके हैं। 91.35 किलोमीटर लंबा ये लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव से शुरू होता है और आजमगढ़ जिले के सालारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। ये लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे को वाराणसी के साथ एक अलग लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच आवाजाही आसान और तेज हो जाएगी। माल ढुलाई में तेजी आने से व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से गोरखपुर से दिल्ली और आगरा जाना भी आसान हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राप्ती नदी, आमी नदी, कुआनो और घाघरा नदी से होकर निकलेगा। एक्सप्रेसवे पर 9 इंटरचेंज होंगे। इन्हें जैतपुर NH-27, खजनी, बांसगांव, कौड़ीराम और गोला भीटी रावत, खतनी, बांसगांव, सिकरीगंज रोड, राम जानकी मार्ग नेशनल हाईवे और सिकरीगंज बेलघाट मार्ग पर बनाया जाएगा। भूमि लागत समेत परियोजना की स्वीकृति करीब 5,876 करोड़ रुपए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।